Praise the Lord, God's morning again, एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति तारीफ जय जयकार यहोवा की हालेलुया। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे बुक ऑफ जोब यानी आयुब की पुस्तक। इस पांचवें अध्याय में बल्कि हम देखना चौथे अध्याय से पांचवा छठा और अभी कई अध्याय सिर्फ ये एक तरह से संवाद है, बातचीत है और ये बातचीत एक कविता के रूप में हो रही है। ये काफ़ी संचय की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कहूँगा लेखक का लेखन शैली ऐसी थी और उसका तरीका ऐसा था और आज हम उसको इसी तरीके से पढ़ रहे हैं और इसीलिए कई बार इस चीज़ों का ना वर्णन करना भी मेरे लिए मुश्किल है। आइए फिर भी देखेंगे चैप्टर 5 वर्स 1। पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और पवित्रों में से को से तू किसकी ओर फिरेगा। जैसे कि एलीपद जो है अय्यूब का दोस्त है, अय्यूब का दोस्त उसको ये बोल रहा है, उसको ये बता रहा है। मतलब ये एक प्रेरणा है या चेतावनी है या उससे एक सवाल पूछा, अभी अय्यूब तू बता। हालांकि संवाद या आपस की बातचीत है, उस बातचीत में वो इस प्रकार से वो पूछ रहा है, पुकार कर देख क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, क्या कोई है, ये सवाल पूछा गया अय्यूब से। दूसरे पद में लिखा, क्योंकि मूर तो खेद करते करते नष्ट हो जाता है और भोला जलते जलते मर मिटता है। मैंने मूर को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके स्थान को धिक्कारा। उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं और वे फाटक में पिसे जाते हैं और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, वरन कटीली बाड़ में से भी निकाल लेते हैं, और प्यासा उसके धन के लिए फंदा लगाता है। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिसकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वहीं पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है, और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। वह धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों में से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता ही में फंसाता है और कुटिल लोगों की युक्ति दूर ही की जाती है। माना जा रहा है कि एक आपस का संवाद हो रहा है, वो उसे दोहों के साथ या शब्दों के साथ या फिर एक कविता के तौर पर उसे बात कर रहा है एलीपज। एलीपज उसे कुछ कह रहा है और अय्यूब उसे जवाब दे रहा है, देख परमेश्वर ऐसा भी करता है, देख परमेश्वर ऐसा भी करता है। वो किसी को छोड़ता नहीं, वो न्यायी है परमेश्वर, जैसा कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं। दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उनकी बातचीत की जो शैली है वो एक कविता की शैली है। उस शैली को देखेंगे। 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है और दिन दोपहरी में वे रात के समान टटोलते रहते हैं, परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। इसलिए कंगालों को आशा होती है और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। देख क्या ही धन्य वह मनुष्य है जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। बहुत खूबसूरत बात कही, क्या ही धन्य वह मनुष्य है जो परम प्रधान की ताड़ना को समझता है, सह लेता है और ना उसे उसके बारे में कोई बात करता, मतलब उसको समझकर उसे सह लेता है और उससे सीख प्राप्त करता है। क्या ही धन्य की बात है। वर्स 18 में लिखा है, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी बांधता भी है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। तो विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे बहनेले जंतुओं से डर न लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी,
जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलियान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुंचेगा। देख, हमने जो खोज कर ऐसा ही पाया है, इसलिए तो सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। हालेलुया। इतना खूबसूरती से इसे रचना की है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, ताकि अय्यूब और अय्यूब के जो दोस्तों के बीच के आपस के जो समाज है वो समझे जा सके। वैसे तो कई बार ये समझना भारी पड़ता है, लेकिन जब आप इसे इस तरह से पढ़ेंगे कि क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किसको और कब कहा जा रहा है, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा इस अध्याय में किसके बारे में बात हो रही है। आशा करता हूँ कि आपको कुछ मैं समझा पाया हूँ या आपकी रोज की संगति में प्रेरणा का कारण ठहरे। आमीन। लेट्स प्रे। फादर लॉर्ड, योर मर्सी, योर ग्रेटनेस, योर लविंग काइंडनेस कम अपॉन योर पीपल, तेरे लोगों पर हो, और इस समय जो भाई बहन मेरे साथ संगति करते हैं, इनके जीवन को, इनके परिवार को, बच्चों को, बड़ों को, सभी को तो अपने हाथों में ले, तेरी ओर से चिन्ह चमत्कार हो, आशीषित होते जाए। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुनी, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु बरकत दे, आशीष करे, रोज की इस संगति में प्रभु आपको और बढ़ाए, आमीन। जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है, आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।